और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी जो 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं किसानों की मुश्किलात की वजह से गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाया, मामले पर सूबाई हुकूमतों से भी बात की है। किसानों की मुश्किलात को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर कुछ 6 मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ एंगल से देखे, एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है कल जाने से पहले सऊदी अरेबिया, और 3 दिन बाद वो रिपोर्ट पेश करेंगी, काबीना में उसका मामला हल किया जाएगा। कमेटी बनाने से मसला हल नहीं होगा, गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब किया जाए, जमात इस्लामी का मुतालिबा। गंदम खरीदारी न होने पर 30 अप्रैल को हड़ताल की कॉल दी थी। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी पंजाब नसरुल्लाह घुराया कहते हैं 32 लाख टन गंदम दरामद की गई, अपने मुल्क के किसान का मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है, लोग अपनी फसलों को आग लगा रहे हैं, किसानों के हक में मुल्क भर में एहतजाज करेंगे।